नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजस्थान के सियासी दंगल में अब हर किसी को इंतजार है विधानसभा के सत्र का। 14 अगस्त को राज्य में विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुट अपना अपना किला मजबूत करने में जुट गए हैं। दरअसल राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम के बीच अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों की चुप्पी को तूफान से पहले की शांति मानी जा रही है। दोनों खेमे अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब दोनों खेमों को आगामी 11 अगस्त तक का इंतजार है। 11 अगस्त को हाईकोर्ट की एकल पीठ बसपा के विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर अहम फैसला सुना सकती है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अशोक गहलोत की नींद उड़ा रखी है। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच शुक्रवार को जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में ही बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को कोर्ट के नोटिस दिए गए हैं। जैसलमेर कोर्ट के रीडर नोटिस तामील कराने होटल पहुंचे हैं। इसी दौरान एसपी भी वहां मौजूद रहे। 6 विधायकों को कोर्ट का नोटिस तामील कराने के मामले पर होटल में हलचल तेज हो गई है। वहीं खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार शाम को फिर जैसलमेर जाएंगे। इसी बीच आपको बड़ी खबर दे दे, गहलोत खेमे की विधायक ममता भूपेश बाड़ेबंदी से बाहर नजर आई है। वैसे बताया ये जा रहा है ममता भूपेश पौधारोपण कार्यक्रम के लिए बाहर आई है। दरअसल राजस्थान के इस सियासी संग्राम के बीच गहलोत खेमे के विधायक ने ही खुद दावा किया है कि सचिन पायलट के पास करीब 40 से 45 विधायक हो सकते थे। जितनी संख्या दिख रही है असल में उससे अधिक है। आपको बता दे, कभी सचिन पायलट गुट का हिस्सा रहे विधायक प्रशांत बेरवा ने कहा है कि आज सचिन पायलट के पास 18 की संख्या है, लेकिन अगर हमसे सलाह ली होती तो ये संख्या 45 तक पहुँच सकती थी। लेकिन फिलहाल राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि अब राजस्थान की सियासत में नया भूचाल आने वाला है। दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गठजोड़ एक बार फिर सामने आया है। वसुंधरा राजे को आवंटित बंगला अब बरकरार रहेगा। सियासी संकट से जूझ रही प्रदेश की गहलोत सरकार ने तमाम कानूनी उलझनों के बावजूद भी वसुंधरा का बंगला बरकरार रखने और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से बचाने के लिए नया रास्ता निकाल लिया है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट को तो अपने रास्ते से दूर करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के सरकारी बंगले को बचाने के लिए सीएम गहलोत ने बंगला आवंटित करने के नियमों में ही बदलाव कर दिया। यह जो तमाम नए संकेत मिल रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर कोई नया मोड़ आने वाला है।